हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, बादल एजुकेशन ग्रुप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे GNM सेकंड काउंसलिंग में जो आपकी कॉलेज थी वो शो नहीं हो रही थी, उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हुआ है कि नहीं हुआ है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और पहुँचता रहे भविष्य में। सबसे पहले आप क्या करना है दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स को कि आपकी जो भी है SSYD खोल लेनी है, ठीक है ना। SSYD खोल लेनी है। SSYD खोलने के बाद में आपको SSYD लॉगिन करोगे तो इस इंटरफेस पे आओगे, आपको RajGNM वाले ऐप पे आ जाना है। जैसे ही आप RajGNM वाले ऐप पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर इसको क्लिक करने के बाद में आपको ये वेबसाइट खुलेगी, ठीक है ना। यहाँ पर आपके सामने आएगा, ये तीन ऑप्शन आएंगे, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म फिल ऑप्शन फॉर्म अलॉटमेंट लेटर। आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले जो ऑप्शन है यानी सेकंड वाला है जो, इस पर आपको कर देना है, ठीक है ना। इस पर आपको कर देना है बी एप्लीकेशन फॉर्म पे। जैसे ही आप करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा आप सभी विद्यार्थियों को। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, देख सकते हो अब आपको क्या हो रहा है, कॉलेज ऑप्शन प्रायोरिटी इन फर्स्ट काउंसलिंग। पहले आपकी यही कॉलेज शो हो रही थी, किसी टेक्निकल एरर के कारण या किसी टेक्निकल इश्यू के कारण ये कॉलेज आपकी शो नहीं हो रही थी। बिकॉज अब क्या है, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये अब आपकी कॉलेज शो हो रही है। देख सकते हो आप, इस स्टूडेंट की है जो सेकंड काउंसलिंग की भी कॉलेज शो हो रही है और फर्स्ट काउंसलिंग की भी कॉलेज शो हो रही है। तो घबराने वाली प्यारे साथियों कोई भी बात नहीं है। देख सकते हो आप, ये तो इनकी फर्स्ट काउंसलिंग की है, ठीक है ना। फर्स्ट काउंसलिंग में जो चॉइस फिलिंग की थी वो कॉलेजेज हैं और ये उनकी सेकंड काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग है, ठीक है ना। यानी सभी स्टूडेंट्स की चॉइस फिलिंग की जो कॉलेजेज हैं वो शो हो रही हैं। तो घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। हमने आपको बोला था कि टेक्निकल इश्यू है, टेक्निकल इश्यू आपका सही हो जाएगा, दो तीन दिन में एक दिन में सही हो जाएगा, बाकी आपको ऐसा कोई इशू नहीं है। और आप सभी विद्यार्थी चेक कर सकते हो, सभी स्टूडेंट की यहाँ पर जहाँ तक सही हो चुकी हैं। और अगर आपकी ये प्रॉब्लम सही हो गई हो तो कमेंट में अपना अच्छा फीडबैक दें और कमेंट करें कि सर हाँ हमारी सही हो गई है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दें सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। तो सभी की इस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। और दोस्तों आगे बात करते हैं, कोई भी अपडेट आएगा तो हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।